नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह गीला स्वागत करता हूं आपका डागोर सैप पर। और दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का जो टॉपिक है उसके आर्टिकल्स को हमने डिस्कस किया, आर्टिकल 74 की बात की डिटेल में, 75 की बात की, 77 की, 78 की बात की। उसके बाद एक एक प्रधानमंत्री को अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की पंडित नेहरू को लेकर और लाल बहादुर शास्त्री को लेकर। अब दोस्तों उसके आगे की कहानी को लेकर चर्चा करते हैं अपन। पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद गुलजारलाल नंदा को पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया 1964 में, फिर लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, और जब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हो गई तो फिर दोबारा गुलजारलाल नंदा को देश का दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। दोस्तों, पूरा विश्व समुदाय और पूरा भारत देश इस बात का इंतजार कर रहा था कि अब देश का अगला प्रधानमंत्री कौन। आपकी जानकारी लिए बताना चाहूंगा दोस्तों, उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे के कामराज, और प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे जो बड़ा नाम था वो था मोरारजी देसाई का, क्योंकि मोरारजी देसाई पंडित नेहरू के बाद नंबर टू थे मोरारजी देसाई। लेकिन के कामराज ऐसा मानते थे कि अगर मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बन गए तो शायद अपनी मनमर्जी के हिसाब से वो शासन चलाएं, क्योंकि दबंग छवि की इमेज, दबंग छवि वाली, नेतृत्व वाली इमेज मोरारजी देसाई की थी। इस वजह से कि कामराज ने निर्णय किया कि एक ऐसे पर्सन को, एक से ऐसे व्यक्तित्व को प्रधानमंत्री बनाया जाए जो उनके हिसाब से काम करे, उनके कहे अनुसार देश की शासन व्यवस्था का संचालन करे। और दोस्तों, उन्होंने मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री ना बनाकर एक ऐसे व्यक्तित्व को देश का प्रधानमंत्री बनाया जिन्हें राम मनोहर लोहिया साहब गूंगी गुड़िया कहते थे। राम मनोहर लोहिया साहब क्या कहते थे? गूंगी गुड़िया। और जेपी नारायण, जय प्रकाश नारायण उन्हें प्यारी इंदु कहते थे। जेपी नारायण साहब, जय प्रकाश नारायण साहब, यही जेपी नारायण साहब आगे जाकर फिर जनता पार्टी गठबंधन बनाएंगे, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का विरोध करेंगे, और 1977 में कांग्रेस चुनाव हारेगी और जनता दल गठबंधन की सरकार बनेगी जिसमें मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। समझ पा रहे दोस्तों? तो मैं बात कर रहा हूं आयरन लेडी के नाम से मशहूर देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, जिनका पूरा कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा सिवाय एक बात को छोड़कर, उसको भी अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वो महान व्यक्तित्व कौन थे? आइए, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी देश की अगली प्रधानमंत्री बनी और 1966 से लेकर 1977 तक, 1966 से लेकर 1977 तक लगातार देश की प्रधानमंत्री रही। अब इंदिरा गांधी के कार्यकाल को लेकर क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को लेकर दोस्तों अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि उस वक्त की स्थितियां क्या थी, उस वक्त की स्थितियां क्या थी, उनको लेकर अपन चर्चा करते हैं। इंदिरा गांधी के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों, जेएल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके थे, इनकी बेटी, और नेहरू रिपोर्ट पेश करने वाले और देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मोतीलाल नेहरू की पोत्री, मोतीलाल नेहरू।
इंदिरा गांधी राज्यसभा सांसद के रूप में, राज्यसभा सांसद या राज्यसभा सदस्य के रूप में देश की पहली प्रधानमंत्री बनी, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। दोस्तों आपको बताया था कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। अब आपके माइंड में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठ रहा होगा, जहां से बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी बने हैं, कि राज्यसभा सांसद के रूप में अब तक कितने लोग देश के प्रधानमंत्री बन चुके। तो दोस्तों अब तक चार लोग राज्यसभा सांसद के रूप में देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पहली इंदिरा गांधी, दूसरे HD देवेगौड़ा, और तीसरे इंद्र कुमार गुजराल। और चौथे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो अब तक चार ऐसे लोग प्रधानमंत्री बने हैं जो राज्यसभा सदस्य के रूप में देश के प्रधानमंत्री बने। पहली इंदिरा गांधी, दूसरे HD देवेगौड़ा, तीसरे इंद्र कुमार गुजराल और चौथे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये बात हुई दोस्तों फैक्ट्स को लेकर के। इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री के मंत्री परिषद में सूचना व प्रसारण मंत्री रह चुकी थी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रह चुकी थी। वो राजनीति का अनुभव था, एक ऐसे परिवार से वो ताल्लुकात रखती थी जो लंबे समय से देश के शीर्ष नेतृत्व में, शीर्ष राजनीति में एक महत्वपूर्ण योगदान था। उस परिवार से थी इंदिरा गांधी, तो राजनीति की समझ तो थी। के कामराज ने यही सोचा था कि ज्यादा अनुभव है नहीं इनको, और मैं जिस हिसाब से मॉनिटर करूंगा, जिस हिसाब से मैनेज करूंगा, जिस हिसाब से सजेस्ट करूंगा, उसी हिसाब से इंदिरा गांधी शासन चलाएंगी। लेकिन उनका मानना गलत साबित हुआ दोस्तों। जब 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के राष्ट्रपति बने, मामला आया 62 से लेके 67 तक। अपन ने बात की थी राष्ट्रपति के टॉपिक में कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने, और कुछ लोगों का मानना था कि राधाकृष्णन को एक कार्यकाल और दिया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी इसके सख्त खिलाफ थी, क्योंकि हर मामले में राधाकृष्णन को पंडित नेहरू को भी टोकते थे और इंदिरा गांधी को भी टोकते थे। तो उन्होंने कहा कि पहला जो देश का राष्ट्रपति है वो उत्तर भारत से रह चुका, दूसरे जो राष्ट्रपति हैं वो दक्षिण भारत से रह चुके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अब माइनॉरिटीज को मौका देते हैं, एक अल्पसंख्यक को मौका देते हैं, और फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन को देश का राष्ट्रपति बनाया गया। एक महान शिक्षाविद डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, भारत रत्न से भी सम्मानित, तमाम बातें जो अपन ने डिस्कस की राष्ट्रपति के टॉपिक में। दोस्तों इसके ठीक 2 साल बाद पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की। अब जैसे ही मृत्यु हुई तो सीधी सी बात है, जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा। वीवी गिरी उस वक्त देश के उपराष्ट्रपति थे, तो वीवी गिरी साहब के द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया गया। कांग्रेस पार्टी के द्वारा अगला उम्मीदवार तय किया गया नीलम संजीव रेड्डी को, लेकिन इंदिरा गांधी चाहती थी कि नीलम संजीव रेड्डी देश के राष्ट्रपति ना बने। उन्होंने वीवी गिरी को कहा कि वीवी गिरी साहब चुनाव लड़िए। वीवी गिरी ने कहा कि मैम ये कैसे पॉसिबल है, कांग्रेस पार्टी नीलम संजीव रेड्डी को अपना उम्मीदवार बना चुकी है, और साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा
व्हीप भी जारी कर दिया गया। व्हीप का मतलब है एक आदेश जारी कर दिया गया, जो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद थे, जो राज्य विधानसभा के सदस्य थे, उनको एक आदेश जारी कर दिया गया कि नीलम संजीव रेड्डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति के लिए, आप सबको उन्हीं को वोट देना है। और आप कह रही हैं कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, वीवी गिरी साहब ने ऐसा कहा इंदिरा गांधी को। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी ने कहा कि जैसा मैंने कहा वैसा करो आप, तो आई विल मैनेज एवरीथिंग, मैं देख लूंगी सारी चीजों को। दोस्तों, जैसे ही चुनाव नजदीक आए तो इंदिरा गांधी ने एक बात कही कि देश के राष्ट्रपति का जो पद है वो बेहद गरिमामय पद है, देश के प्रथम नागरिक का पद है, तो जो भी लोग वोट दे वो अपनी अंतरात्मा की आवाज के हिसाब से वोट दे। दोस्तों, कहने का मतलब था इंदिरा गांधी साफ कर चुकी थी इस बात को कि वोट किसे देना है, वीवी गिरी को देना है। और दोस्तों, फिर इंदिरा गांधी की सपोर्ट की वजह से ही, हालांकि वो बात अलग है कि द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती के आधार पर वीवी गिरी साहब देश के राष्ट्रपति बने और नीलम संजीव रेड्डी वे चुनाव हार गए। अब 1969 में ही राष्ट्रीय चुनाव की बातें संपन्न होती है, उससे ठीक एक साल पहले की और घटना से मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, जहां से सेकंड ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा गया अभी पिछले दिनों। 1968 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा एनपीटी की संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया गया, एनपीटी की संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया गया। दोस्तों, क्या थी एनपीटी की संधि? विकसित राष्ट्रों के द्वारा अस्तित्व में लाई गई एक ऐसी संधि जिसका उद्देश्य था कि अब तक जितने देश परमाणु हथियार बना चुके हैं और उनका परीक्षण कर चुके हैं वो तो ठीक है, अब अगर इस संधि पर कोई देश हस्ताक्षर कर देता है तो वो देश ना तो परमाणु हथियारों का परीक्षण करेगा और ना ही नए परमाणु हथियार बनाएगा। जैसे ही ये प्रपोजल इंदिरा गांधी के सामने आया तो मना कर दिया उन्होंने, नो हम नहीं करेंगे इस संधि पर हस्ताक्षर। पूछा गया कि क्यों नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी देख रहे हैं आप, एक तरफ चाइना है जिसके साथ एक वॉर लड़ चुके हैं हम 1962 में, दूसरा पाकिस्तान है जिसके साथ 1965 में हमारा डिस्प्यूट हो चुका है, और दोनों के दोनों बिल्कुल गिद्ध की नजरों से हमें देख रहे हैं कि कब मौका मिले और कब वो हमारा सुपड़ा साफ कर दें, तो हम इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। जैसे ही एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया भारत ने, और दोस्तों आप लोगों को जानकारी बताना चाहूंगा कि अब तक भी एनपीटी की संधि पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है, कि हमारे राष्ट्रीय हितों का मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, हम इस प्रकार की किसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जो हमारे देश की जो राष्ट्रीय हित है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसके साथ किसी प्रकार का समझौता करने को बाधित करते हैं। जैसे ही एनपीटी की संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया गया तो फटाफट संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा बहुत प्रकार के आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य प्रतिबंध भारत पर लगा दिए गए। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रतिबंध भारत पर 2007 तक लगे रहे। अब आप कहेंगे कि 2007 में ऐसा क्या हुआ कि ये प्रतिबंध हटा दिए गए सारे? दोस्तों, 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 123 एग्रीमेंट होता है, और इसी 123 एग्रीमेंट के तहत वो तमाम प्रकार के जो प्रतिबंध लगाए गए थे 1967-68 में, वे सारे प्रतिबंध हटा दिए गए। दोस्तों, 1967 की एक और महत्वपूर्ण बात कि 1967 में जब चुनाव हुए तो बहुत कम सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली, 283 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली। कहने का मतलब है बहुमत का आंकड़ा बस पार सा किया। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 6 प्रांतों में चुनाव भी हार गई। उस वक्त राज्यों की विधानसभाओं के और लोकसभा के जो चुनाव है वो साथ साथ हुआ करते थे। अभी वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं कि केंद्र और राज्य दोनों में 7 चुनाव करवाए जाए। क्यों करवाए जाए 7? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन अगर 7 होते हैं या अलग अलग होते हैं तो उस कंडीशन में जो क्षेत्रीय दल हैं वो बहुत नुकसान करते हैं नेशनल पार्टीज को, और अगर 7 दोनों चुनाव होते हैं तो उस कंडीशन में उतना इंपैक्ट नहीं होता, वो केवल अपनी जो लोकल जो पॉलिटिक्स है उसी में इन्वॉल्व रहते हैं वो लोग।
अब 1969 में जैसे ही इंदिरा गांधी के द्वारा वीवी गिरी को सपोर्ट किया गया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे लिंगप्पा, उन्होंने इंदिरा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर कर दिया। और कहने का मतलब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो भाग हो गए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया। पहला कांग्रेस आर रिक्विजिशन, जो आगे जाकर कांग्रेस आई कहलाई, कांग्रेस इंदिरा कहलाई, और दूसरा कांग्रेस ओ, कहने का मतलब संगठन कांग्रेस और सत्ता कांग्रेस। अब जैसे ही दोस्तों कांग्रेस का विभाजन हुआ, तो जो संगठन कांग्रेस के जो सांसद थे वो इंदिरा गांधी की सरकार से अलग हो गए। जैसे ही अलग हुए तो सीधी सी बात है, जो सरकार है वो अल्पमत में आनी थी, कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई और लगा कि शायद सरकार गिरेगी। लेकिन उस वक्त तमिलनाडु की राजनीति की बादशाह, हालांकि तब तक अन्नादुराई पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अन्नादुराई की मृत्यु हो चुकी थी, और तमिलनाडु में जो नंबर दो थे एम करुणानिधि, जो आगे जाकर तमिलनाडु की राजनीति के किंग मेकर बने, वही एम करुणानिधि, उन्हीं एम करुणानिधि ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया, समर्थन दिया। उस वक्त CPIM के लोगों ने भी सपोर्ट किया इंदिरा गांधी को, और सरकार एनी हाउ बच गई। अब इंदिरा गांधी के द्वारा 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया, और बैंक ऑफ इंडिया में एक बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले शख्स RC Cooper के द्वारा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। इंदिरा गांधी या सरकार का जो डिसीजन था, सरकार का जो निर्णय था, वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। एक और महत्वपूर्ण बात, उससे पहले इंदिरा गांधी की जो सरकार है 1967 का जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सरकार के विरुद्ध आ चुका था। तो पहली हार गोलकनाथ वाले मामले में, दूसरी हार लगातार बैंकों के राष्ट्रीयकरण वाले मामले में इंदिरा गांधी की हो चुकी थी। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि जब भी सरकार मजबूत होती है, सरकार का मजबूत होने का मतलब है अगर बहुमत वाली सरकार होती है, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं कमजोर होता है, और अगर सरकार कमजोर होती है तो सुप्रीम कोर्ट मजबूत होता है। वरना 67 का जो गोलकनाथ वाला मामला, उससे पहले के अगर मामलों की मैं बात करूं, आपका चमकम दोराई राजन मामला, शंकरी प्रसाद मामला, सज्जन सिंह वाद, तमाम मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा सरकार के फेवर में डिसीजंस दिए। लेकिन 1967 में ऐसा क्या हो गया था कि गोलकनाथ वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के विरुद्ध निर्णय दिया? उस वक्त सरकार कमजोर थी, उस वक्त उतने बहुमत के साथ इंदिरा गांधी सरकार में नहीं आई थी, उतनी सीटें नहीं थी इंदिरा गांधी के पास, और कहीं ना कहीं उसके जो आलोचक थे मोरारजी देसाई, तमाम जो बड़े लोग थे वो इंदिरा गांधी के विरोध में थे। दोस्तों 1970 में एक और काम इंदिरा गांधी के द्वारा कर दिया गया। अब वो और काम क्या था दोस्तों? में इंदिरा गांधी ने कहा कि जो राजा महाराजाओं को जो ये प्रीवी पर्स दिया जाता है, भत्ते दिए जाते हैं मंथली, इनको बंद करो, प्रीवी पर्स बंद किए जाने चाहिए। दोस्तों प्रीवी पर्स से मतलब है, जब देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो उस वक्त समझौता हुआ देसी रियासतों के साथ भारत का, और समझौता हुआ कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए आप लोग और भारत में शामिल होइए। ये पहला समझौता हुआ 1947 में, और फिर 1949 में दूसरी बार हुआ कि आप पूर्णतः भारत में मिल जाइए, अब विलय पत्रकारी सारे कंसेप्ट छोड़िए, पूर्णतः भारत में मिल जाइए आप। तो राजा महाराजाओं ने कहा कि हम भारत में तो मिल जाएंगे, लेकिन इसके बदले हमें क्या मिलेगा? तो सरकार के द्वारा उस वक्त प्रॉमिस किया गया कि आपको मंथली प्रीव्यू पर्स दिया जाएगा,
आपको खूब सारा पैसा दिया जाएगा, जिसके चलते आप अपनी राजशाही की जो वैभवपूर्ण जिंदगी है वो आसानी से जी सकते हैं आप। दूसरा, उपाधियां आपको दी जाएंगी, टाइटल्स दिए जाएंगे आपको, और तोपों की सलामी दी जाएगी, और अनेक प्रकार के सम्मान दिए जाएंगे, और महाराज प्रमुख जैसे पद से सुशोभित किया जाएगा। ये तमाम सारी बातें दोस्तों, तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि खत्म करो ये प्री पेपर्स वगैरह, ये तोपों की सलामी, ये सम्मान टाइटल्स वगैरह सब खत्म करो। ये एक तरफ देश का वह तबका है जो बिल्कुल गरीबी का जीवन जी रहा है, और दूसरी तरफ ये राजा महाराजा जो बिना कुछ करे धरे वैभवपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं। ये तो गलत है, इस प्रकार की जो समाज में असमानता है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गरीब अमीर सब बराबर होंगे। कहने का मतलब है इंदिरा गांधी का तब तक झुकाव पूर्णतः समाजवाद की ओर चला था। समाजवाद से क्या मतलब है दोस्तों, जहां पर मैक्सिमम जो सेक्टर्स हैं उन पर सरकार का नियंत्रण हो, जहां पर हर व्यक्ति समान हो, पूंजीपति और गरीब इस प्रकार का तबका नहीं हो, सब व्यक्ति समान हो। तो इस प्रीपर्स को जब समाप्त किया गया सरकार के द्वारा, तो दोस्तों फटाफट माधवराव सिंधिया सुप्रीम कोर्ट गए कि ये तो बहुत गलत किया है। वो बात अलग है कि माधवराव सिंधिया फिर आगे जाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। तो माधवराव सिंधिया सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि जो किया वो गलत किया, और दोस्तों इसे ही अपन जानते हैं माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघवाद 1970। और जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है इस मामले में, तो फिर इंदिरा गांधी की हार। लगातार तीन झटके, पहला गोलकनाथ मामला, दूसरा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और तीसरा प्रीवीपर्स का मामला। अब दोस्तों इंदिरा गांधी पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी। जब 1970 में उनको लगा कि यार अब स्थितियां बिल्कुल काबू से बाहर हो चुकी हैं, तो 1971 जैसे ही आया, तो 1971 में चुनाव होने थे 1972 में, लेकिन एक साल पहले चुनाव करवा दिए। प्रधानमंत्री अगर चाहे तो अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और अगले चुनाव के लिए देश के राष्ट्रपति को कह सकता है। अगले चुनाव की घोषणा हुई, अगले चुनाव हुए, और चुनावों की कैंपेनिंग में उन्होंने क्या नारा दिया, बेहद महत्वपूर्ण, जहां से कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं गरीबों के लिए कुछ करने आई हूं, समाज के हर तबके के लिए मैं कुछ करने आई हूं, 20 सूत्री कार्यक्रम मैं लेकर आई हूं, लेकिन माधवराव सिंधिया जैसे लोग, गोलकनाथ जैसे लोग, बैंकों के राष्ट्रीयकरण में आरसी कूपर जैसे लोग, ये आम जन के लिए मुझे कुछ करने नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप लोग मुझे समर्थन दो, बहुमत की सरकार दो, मैं आपके लिए कुछ विशिष्ट करके दिखाऊंगी। नारा दिया गरीबी हटाओ, रिमूव पुअर्टी। जिस प्रकार 2014 में नरेंद्र मोदी को जब प्रधानमंत्री पद पर प्रोजेक्ट किया गया था, तो नरेंद्र मोदी ने एक बेहद जबरदस्त वाला भाषण दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं पूरा का पूरा जो ब्लैक मनी है, जो काला धन है, जो स्विस अकाउंट्स में जमा, उसको पूरा भारत में ले आऊंगा, मैं भ्रष्टाचार को समाप्त कर दूंगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना दूंगा मैं। गुड गवर्नेंस की संकल्पना उन्होंने हर समुदाय के सामने रखी, और हर व्यक्ति को कहा कि इस प्रकार का भारत में बना दूंगा कि हर व्यक्ति समान होगा। और दोस्तों फिर भारतीय जनता पार्टी को पहली बार स्पष्ट बहुमत वाली सरकार मिली, और फुल मेजोरिटी के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। ठीक उसी प्रकार से गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, और जब चुनाव का रिजल्ट आया 1971 में, तो 353 सीटें जीती इंदिरा गांधी ने। उस वक्त की जो संगठन कांग्रेस थी, संगठन कांग्रेस के द्वारा केवल 16 सीटें जीती गई, कहां 353 और कहां 16, और इन 16 में बड़े बड़े हस्तियां शामिल थी, मोरारजी देसाई, के कामराज, लिंगप्पा, उस वक्त के तमाम जो टॉप मोस्ट पॉलिटिशियन थे। दोस्तों उन चुनावों में देश के लगभग लगभग जो राजा महाराजा थे वो सब चुनाव हार गए। माधवराव सिंधिया और उनकी माता विजयराजे सिंधिया
हालांकि ये लोग चुनाव जीत गए और गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था उस समय नवाब अली खान पटौदी साहब ने, सैफ अली खान के पापा ने। दोस्तों उन चुनाव में उनको केवल 5% वोट मिले, ओनली 5% वोट, और उन 5% वोटों के चलते बेहद बुरी उनकी हार हुई। अब इंदिरा गांधी फुल फॉर्म में थी, आते ही उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। आज तक के इतिहास में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। इंदिरा गांधी ने वो कर दिखाया जो अब तक पंडित नेहरू भी नहीं कर सके थे। पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया, शेख मुजीबुर रहमान की सरकार की स्थापना करवा दी। वहां पर पूरा विश्व समुदाय स्तब्ध था, पूरा विश्व समुदाय सोच रहा था और सैल्यूट कर रहा था इस महिला को कि यार ये क्या कर दिया इसने। उसी वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि इंदिरा गांधी कोई सामान्य महिला नहीं है, इंदिरा गांधी दुर्गा का अवतार है। क्या कहा दोस्तों? इंदिरा गांधी दुर्गा का अवतार है। फाइनली 1971 में ही 3 दिसंबर 1971 को देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा। वीवी गिरी उस वक्त राष्ट्रपति हुआ करते थे देश के। 1972 में इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता होता है और 1973 ईस्वी में 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती वाले मामले का रिजल्ट आता है, निर्णय आता है, जिसमें 24 से 25 संविधान संशोधन जो इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए थे उनको वैधानिक ठहराया जाता है। साथ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया जाता है कि संसद संविधान के हर भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन बुनियादी ढांचे को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। जो मूल ढांचा है उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकती। इसे मूल ढांचे से संबंधित एक अलग से लगभग 3-4 घंटे क्लास अलग से मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है, उसको आप लोग देखिएगा। संविधान का बुनियादी ढांचा और केशवानंद भारती केस 1973, वहां पर बिल्कुल डिटेल में चर्चा की गई है हर बात को लेकर दोस्तों। तो यहां पर ज्यादा लंबा नहीं लूंगा मैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं अपन। 1974 में, 1974 में एक तारीख जिसका भारत के वैश्विक दृष्टिकोण से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा और वो तारीख थी दोस्तों 18 मई 1974। बहुत सारे दोस्ततो समझ गए होंगे कि मैं 18 मई 1974 जैसे मैंने लिखा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं 18 मई 1974, जिस दिन भारत सामान्य देशों की श्रेणी से निकलकर उन प्रमुख देशों की पंक्ति में शामिल हो गया जो अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न देश कहते थे। क्योंकि इसी 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर पोखरण में भारत के द्वारा पहला परमाणु परीक्षण कर दिया गया और उसे नाम दिया गया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए, स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया दोस्तों। पूरा विश्व समुदाय चौंक गया और पाकिस्तान और चाइना तो फटाफट यूएन में भाग करके गए कि आप तो कहते थे कि भारत तो शांति प्रिय देश है, भारत तो सुरक्षा चाहता है, शांति चाहता है, ये देखो भारत ने कैसी शांति की जगह क्रांति कर दी। और जब इंदिरा गांधी से यूएनएम में पूछा गया कि मैडम ये क्या कर दिया आपने, तो इंदिरा गांधी बोली कुछ नहीं, केवल मुस्कुरा दी दोस्तों। इस वजह से भी इसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया जाता है। 1975 में, 1975 में भारत के द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कर दिया गया, आर्यभट्ट की लॉन्चिंग कर दी गई दोस्तों। तो सैन्य क्षेत्र में स्माइलिंग बुद्धा परमाणु शक्ति संपन्न बन गए, अंतरिक्ष की दुनिया में आर्यभट्ट को लॉन्च कर दिया, पड़ोसी में दबंगा स्थापित कर दी बांग्लादेश को अलग बना के पाकिस्तान से, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो दबाव था उसको दूर करने के लिए यूएसएसआर के साथ
25 साल की मैत्री संधि कर ली और दोस्तों अब लोगों को लगने लगा कि इंदिरा चाहे और वो ना हो ये तो मुमकिन नहीं। जैसे आजकल आप लोग कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, ठीक उसी प्रकार से इंदिरा है तो मुमकिन है। और दोस्तों उस वक्त एक बड़ा नारा चला, एक स्लोगन चला, एक कोट चला कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। लेकिन दोस्तों 1975 में ही हालांकि इंदिरा गांधी का अगला अपना खुद का अलग पक्ष है और जो आलोचक हैं, जो क्रिटिसिज्म जो लोग करते हैं उनका अलग पक्ष है। मैं बात कर रहा हूं 25 जून की, 25 जून 1975। अरे स्प्री में यहां से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, आजकल डेट भी पूछी जा रही है, केवल ईयर से काम नहीं चलने वाला है। तो जो फैक्ट भी अगर आप लोग तैयार करते हैं तो उन फैक्ट को भी दोस्तों थोड़ा सा सीरियसली आप लोग तैयार करें। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को? 25 जून 1975 को एक टेलीफोन किया इंदिरा गांधी ने तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब को और फोन करके कहा कि आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दीजिए। और केवल एक फोन के बेसिस पर, इंदिरा गांधी के केवल एक फोन के बेसिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया। हालांकि इंदिरा गांधी कहती हैं कि परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी इस वजह से आपातकाल लगाना पड़ा, लेकिन आलोचक कहते हैं कि आपातकाल लगाया नहीं, आपातकाल थोपा गया, कोई जरूरत नहीं थी उस वक्त, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी ने अपना तानाशाही रूप दिखाया दुनिया को और उसके चलते इमरजेंसी लगवाई। और आलोचक कहते हैं कि लगभग 19 माह तक इंदिरा गांधी के द्वारा तानाशाही पूर्वक शासन किया गया, जो लोकप्रियता का जो ग्राफ बिल्कुल पीक पर था वो धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हुआ। लगे हाथ 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कर दिया गया 1976। और इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनेक अनेक प्रकार के संशोधन कर दिए गए और इतने संशोधन किए गए कि इस 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों लघु संविधान भी कहा जाने लगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए, अनुच्छेद 352 को लेकर बहुत सारे चेंजमेंट कर दिए गए, प्रस्तावना को लेकर संशोधन कर दिए गए, बहुत प्रकार के संशोधन दोस्तों इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कर दिए गए, जिसके कारण इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 1977 जनवरी 1977 चुनाव होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, 1971 में चुनाव हुए थे तो 5 साल के हिसाब से चुनाव होने थे 1976 में, लेकिन इसी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा संविधान में यह संशोधन कर दिया गया कि लोकसभा का और राज्य की विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होगा और जो चुनाव 1976 में होने थे वो चुनाव हुए 1977 में, जनवरी 1977। पूरी जनता पूरी तरह से त्रस्त थी। जिस प्रकार की स्थिति 2014 में मनमोहन सिंह सरकार को लेकर थी, ठीक वैसी ही स्थिति इंदिरा गांधी सरकार को लेकर 1977 में थी। परिणाम एक्सपेक्टेड थे लेकिन इतने एक्सपेक्टेड नहीं थे, ऐसी आशा नहीं थी लोगों को कि इतनी बुरी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव हार जाएगी। इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार गई, सरकार हाथ से गई और 1977 में पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। दोस्तों अब उस गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने उसको लेकर चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं अपन अगले प्रधानमंत्री की। दोस्तों प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई, 1977 से लेकर 1979 तक इनका कार्यकाल रहा। बहुत लंबी कहानी रही मोरारजी देसाई की भी, कांग्रेस में रहते रहते तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए,
लेकिन संगठन कांग्रेस से वो जुड़े हुए थे। और जब 1977 में 1977 में जनवरी 1977 में जो चुनाव के रिजल्ट आए तो किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं बनी, लेकिन एक गठबंधन की सरकार, जनता पार्टी की सरकार बनी। और उसी 1977 से हिंदुस्तान में गठबंधन की सरकारों का प्रचलन प्रारंभ हुआ दोस्तों। उसके बाद तो लगातार गठबंधन की सरकारें बनी, बीच में एक आधी सरकार को अगर छोड़ दे तो अपन। 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। अब मोरारजी देसाई के कार्यकाल को लेकर क्या महत्वपूर्ण प्रावधान रहे, किस प्रकार के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, उन तमाम बातों को लेकर चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।